गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या समेश संख्या पढ़ेंगे। ये लेसन 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में होगा कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म कैसे हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर की मतलब आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग सोल्यूशन निकालते थे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे कि x²-1=0, तो x²=1, तो x² क्या आता था, +-√1, इसका मान +-1 रहता था, ठीक है। लेकिन यही अगर इस तरह से कोई नंबर आता था x²+1=0 या x²-1, ऐसे कंडीशन में इसका मान -1 आता था। और जब भी √-1 आता है तो हम लोग कह देते हैं कि इसका हल संभव नहीं है। ऐसी संख्या को हम कल्पना कर लेते, काल्पनिक संख्या मान ली जाती थी, इसके बाद हम हल इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब वहीं पे सवाल बंद हो जाता था करना, उसके बाद हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करते थे किसी सवाल में। हम ये मान के चलते थे कि इस सवाल को हल करना असंभव, ठीक है। इस सवाल को हल करना क्या है, असंभव है। अथवा ऐसे चेक भी कर लेते थे, कोई ऐसे अगर x²+bx+c=0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, तो उसमें हम d²b²-4ac निकालते थे। अगर b²-4ac <0 आ रहा था, मतलब d का मान d=0 आता था, मतलब डी का मान निगेटिव आता था, तो मान लेते थे कि ऐसे सवाल को हम हल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 19वीं सदी पे इस पे काफी खोज हुआ और 19वीं सदी में हम लोग इस नतीजे पहुंचे, नहीं इसके बाद भी इसको हम हल कर सकते हैं, और यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब यही है कि इसमें एक आई टर्म लाया गया, आई का मान √-1 माना गया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का मतलब इसका एक सोल्यूशन क्या है, इसका एक सोल्यूशन आई है, इसका एक सोल्यूशन आई है, √-1 नहीं कहेंगे, आई कहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, पहले देखें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib के रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib के रूप में होता है, यह दो भागों से मिलकर बना है, इसको कहते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट, वास्तविक भाग इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं, ए क्या कहते हैं, इसको वास्तविक भाग कहते हैं, ठीक ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, आर ई, रियल पार्ट में आर ई करके बाकी जो भी है यहां अगर जेड होगा तो जेड कर रहे हैं, ए वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। इस भाग को हम काल्पनिक भाग कहते हैं ना, ए को क्या कहते हैं, ए को हम वास्तविक भाग कहते हैं, यहां से रुपये में दिखाई देगा, तो ए को वास्तविक भाग कहते हैं, वास्तविक भाग कहते हैं, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ई जेड से, और बी को क्या कहते हैं, काल्पनिक भाग बोलते हैं, इसको इमेजिनरी ईएम जेड करके ऐसे बस आई एम करके जेड करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जेड मीन से होता है पूरे के जो मान होते हैं इसी को हम जेड में स्टोर कर लेते हैं, ऐसे जेड इसका तो a+ib, तो जेड इसका तो a+ib होता है, जिसमें ए को हम वास्तविक भाग कहते हैं, बी को काल्पनिक भाग कहते हैं, वास्तविक भाग को रियल पार्ट आर ई
इन ब्रैकेट जेड में रिप्रेजेंट करते हैं एंड काल्पनिक को इमेजरी पार्ट बोलते हैं। इमेजरी को क्या कहते हैं, आई एम इन ब्रैकेट जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का एक क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई किस तरह से दिया जेड वन बराबर ए प्लस आई डी ओ, जेड टू प्लस सी प्लस आर डी ओ, आई गिवन दैट जेड वन इज इक्वल टू जेड टू, और क्वेश्चंस जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई डी ओ, जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस आई डी, इट इज गिवन दैट जेड वन इज इक्वल टू जेड टू। अगर ये बराबर दे दिया हो ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी हम लिख सकते हैं। ऐसे केसेस में ए का मान सी हो जाता है और बी का मान क्या हो जाता है, डी हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा, वास्तविक भाग वास्तविक भाग के बराबर हो जाएगा और काल्पनिक भाग किसके बराबर हो जाएगा, काल्पनिक भाग के बराबर हो जाएगा। जैसे हम कह दें कि यदि आपका एक प्रश्न है, ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम हो तत्काल आप लोग पूछ लेंगे, कोई भी डाउट हो। पर हमें कह दें कि यदि क्वेश्चन यदि फोर एक्स प्लस आई थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री प्लस आई माइनस सिक्स, जहां एक्स और वाई काल्पनिक संख्या है, जहां एक्स और वाई क्या है, जहां एक्स तथा वाई रियल नंबर माने, रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, तो एक्स और वाई का मान बताओ, एक्स तथा मान बताओ। आपका प्रश्न दिया है फोर एक्स प्लस आई तीन एक्स माइनस वाई इक्वल टू तीन प्लस आई माइनस सिक्स, बोथ आर इक्वल, तभी इसलिए गार्ड भी बताए थे ये मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके मान फोर एक्स इक्वल टू थ्री, ए मान किसके बराबर होगा, थ्री एक्स माइनस वाई का मान माइनस सिक्स के बराबर, ठीक है। यहां से अगर कैलकुलेट करें तो एक्स मान क्या होगा, थ्री अपॉन फोर, ठीक है। एक्स मान कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर। अब क्या करेंगे, एक्स का मान इसमें हम लोग पुट करेंगे, सब इस रूल का पालन करते हैं, ठीक।
मान जी का आपका एक प्रश्न है कि अब हम लोग चर्चा करेंगे आई की घात पावर ऑफ आई। आई की घात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छी तरह से आप लोग थोड़ा समझेंगे आई की घात क्या होता है। देखो जैसा कि हम बताए हैं आई का मान माइनस अंडर रूट वन होता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर इसका तो क्या होगा, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर, मतलब आई स्क्वायर का मान माइनस वन, ठीक है। अब अगर आई क्यू का मान निकालें, आई क्यू, आई क्यू बराबर हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। आई स्क्वायर का मान यहाँ क्या दिया है माइनस वन इंटू आई, इसका मान क्या होगा माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। देखो है ना, सब नोट करना है आपको। आई फोर क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान कितना है वन माइनस वन, यहाँ क्या है माइनस वन, ये प्लस वन आई फोर का हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आई का मान अंडर रूट वन है, आई स्क्वायर का मान वन है, आई क्यू का मान माइनस वन माइनस आई है, आई फोर का मान वन हो गया। देखो आई फाइव का कैसे निकालते हैं, आई फाइव इक्वल टू आई फोर इंटू आई, आई फोर का मान कितना है वन, वन इंटू आई इक्वल टू आई हो गया। आई सिक्स का मान क्या होगा आई फोर प्लस फोरी के साथ कुछ लेंगे तो आई फोर इंटू आई फोर, आई फोर का मान कितना है वन है इंटू, और आई स्क्वायर का मान कितना है आपका माइनस वन है, तो आई सिक्स का मान क्या होगा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। देखो और आई सेवन का क्या होगा आई फोर इंटू, मतलब आई फोर इंटू आई थ्री, आई फोर का मान वन है और आई थ्री का मान कितना है माइनस आई है, इसके मतलब क्या हो गया माइनस आई। इस तरह से आपको फार्मूला मिलता है, वो फार्मूला कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लिखें कोई भी अगर ऐसे है आई फोर या प्लस वन होगा या आई फोर यम प्लस टू होगा, मतलब आई फोर एम प्लस वन का मान कितना होगा आई होगा, ठीक है। आई फोर एम प्लस टू का मान क्या होगा माइनस वन होगा, या किस रूप में आ सकता है आई फोर एम प्लस थ्री के रूप में आ सकता है, तो आई फोर वन प्लस थ्री का मान क्या होगा माइनस आई होगा, यही होगा। अब आगे अगर यहाँ फोर आता है तो फिर इसमें आकर मिल जाएगा, फिर हम ये कह रहे हैं आपको क्वेश्चन ले रहा है कि आई नाइन का मान निकालिएगा, ठीक है। आई नाइन का मान फाइंड कीजिए, तो आई क्या निकालिए फोर इंटू चार गुना आठ प्लस एक नौ, ठीक है। आई यहाँ फोर कर स्क्वायर, आई का फोर का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे इंटू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई फोर इंटू टू इंटू आई वन, ये नहीं कुछ नहीं तो एक मान लिया हम क्या होगा ए आई के फोर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैसे इंटू आई हो जाएगा, आई के फोर का क्या मान होता है वन होता है, वन का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर टू आई हो गया, ठीक है। बात आई ए फर्स्ट वाला आता है, अब तो समझ में आ गया होगा, अगर टेन दिया होता तो क्या करते
यहाँ पे दो प्लस दो चार दो आठ दो, यहाँ आई स्क्वायर हो जाए। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस वन होता है। ठीक है, इस तरह से हम आगे का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप करोगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।